इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू एट. वाई इज इक्वल टू थ्री का मतलब है वाई एक्सिस पे थ्री नंबर, एट का मतलब है ये एट हो गया. ठीक है, मैंने रफली बनाया. वाई इक्वल टू थ्री का मतलब है ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एट का मतलब है एट पे अगेन पैरेलल टू, ये वाई इज इक्वल टू एट हो गया, ये वाई इज इक्वल टू थ्री हो गया. कौन से टाइप का सोल्यूशन है? नो सोल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है, पैरेलल लाइन्स है तो नो सोल्यूशन आ गया. ठीक है, जब y दिया होता है तो x के पैरेलल आता है, अगर x दिया होता है तो y के पैरेलल आता है. सपोज x इज इक्वल टू a दिया हुआ है, y इज इक्वल टू b दिया हुआ है, कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ए बी. देखो इधर, x इज इक्वल टू a का मतलब a नंबर है लेकिन हमें नहीं पता क्या है, आप अपनी मर्जी से वैसे ही a बना लो कोई भी. ठीक है, ये आ गया a. x इज इक्वल टू a का मतलब है y के पैरेलल, और y इज इक्वल टू b का मतलब है x के पैरेलल. पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ए कॉमा बी. इसकी क्या होगा पॉइंट? एक्स की वैल्यू ए है तो ए कॉमा जीरो, ये क्या होगा? ये क्या होगा? जीरो कॉमा जीरो, ये क्या बन रहा है? किसने कहा स्क्वायर? ए और बी तो पता ही नहीं क्या है, रेक्टेंगल. ए और बी इक्वल तो नहीं है ना, ये तो नहीं किसी ने कहा. ठीक है, हो सकते हैं लेकिन आंसर तो ए बी ही आएगा. अगर हो गए तब भी ठीक है, रेक्टेंगल ही है फिलहाल क्योंकि ए और बी की वैल्यू नहीं पता. अगर आप ये कहते हो स्पेशल कंडीशन की ए और बी सेम है, सेम है का मतलब तब भी आप ये लिखोगे कि एरिया क्या होगा, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ ही करोगे ना, साइड इंटू साइड करते हो तब भी ए बी आएगा एरिया, और अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो तब भी एरिया ए बी आएगा. ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी रेक्टेंगल आएगा. नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं लिख सकते, लाइंस पैरेलल साफ पता चल रही है. पैरेललोग्राम भी कह सकते हो लेकिन पैरेललोग्राम एक पर्टिकुलर टाइप आ जाएगी, उसकी पर्टिकुलर टाइप हमने रेक्टेंगल कह दिया. वैसे अगर आपसे ये पूछे कि नेम ऑफ द फिगर तो रेक्टेंगल ही आएगा इसमें, क्योंकि ए बी की वैल्यू डिफरेंट लेके चलोगे आप कि वो रेक्टेंगल है, इस टाइम पे साइड्स पैरेलल है, और इसका एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ए बी स्क्वायर यूनिट आ जाएगा एरिया. और अगर ए और बी दोनों ही सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन दिया होगा तो, अदरवाइज अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते आप. ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, कंसिस्टेंट आपको बताया था, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है उसमें जिसमें सॉल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट होता है. जैसे हम कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन मिलता है, या तो वो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट. जैसे जिसमें पैरेलल लाइन आती है जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता. एक होता है डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट किसको कह रहे हैं हम? कौन है इसमें से डिपेंडेंट? यूनिक वाला, इनफाइनाइट वाला, कि नो सॉल्यूशन वाला? ये वाला है यूनिक वाला. यूनिक में क्या है? एक लाइन दूसरे पे डिपेंड है ना, इससे याद रखना है आपने. और एक और बात, बुक में एक लाइन और भी लिखी हुई है इंट्रोडक्शन के बीच में, कि जितने भी कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं वो सारे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन वैसे आप यूनिक को लेके चलोगे, इसका मतलब वो जो बुक की लाइन है उसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है. एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है, मैं आपको पेज नंबर सेंड कर दूंगी, आप रीड कर लेना, उसमें दिया हुआ है. उस पैराग्राफ में ये भी दे रखा है कि जो यूनिक वाला है ना जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट है, और कहता है जितने भी कंसिस्टेंट है वो सारे क्या है? डिपेंडेंट. तो कंसिस्टेंट तो फिर इनफाइनाइट भी है, लेकिन जब आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा ना तो आप यूनिक वाला लेके चलोगे. है दोनों ही. इन केस आपको कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आपके पास इनफाइनाइट वाला भी कंसिस्टेंट है इसलिए वो डिपेंडेंट में आएगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना सॉल्व करने के लिए उसमें सारे आपको यूनिक वाले मिलेंगे. तो याद रखना जिसका यूनिक सॉल्यूशन आता है वो डिपेंडेंट होता है. यूनिक कैसे डिसाइड होता है कि यूनिक है कि नहीं? नैना कैसे डिसाइड होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है आपको? हाँ जी,
अगर दोनों की फर्स्ट टू की रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, देन द सिस्टम इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। और अगर तीनों इक्वल हैं तो क्या होता है यहाँ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट का ग्राफ कैसे बनता है? ओवरलैपिंग, इसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ठीक है। पेज 45 पे दिया हुआ, राइट साइड पे बॉटम में पता नहीं सेकंड या थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, उसमें दिया हुआ है। डस्टर कहाँ पे है? अच्छा, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज आपके पास ये कोई इक्वेशन दे रखे हैं, मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। आपको कहते हैं सीधे बैठ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको दे रहा है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सिस्टम में दो इक्वेशन होती है, एक दी हुई है, कहता है मिसिंग इक्वेशन लिखो। इक्वेशंस जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है आपको। इनफाइनाइट का मतलब कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट की? ए वन बाय ए टू इज, इसका मतलब इन सबकी रेशियो जो है दूसरी इक्वेशन के साथ सेम आनी चाहिए। इसको टू से मल्टीप्लाई करो, अगर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो वन बाय टू आएगी, अगर इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो वन बाय थ्री आएगी। टू से मल्टीप्लाई कर दो, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू टेन। देख लो, टू अपॉन फोर, थ्री बाय सिक्स, फाइव बाय टेन, सारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब एक इक्वेशन दी थी, दूसरी आपने लिख दी। अब आपको लिखने भी हो सकता है आ जाए, या हो सकता है ऑप्शन दी हो उसमें से चूज करनी भी आ जाए, तो आपने चूज करनी है। अच्छा, अगर यही इसमें कहता कि इनफाइनाइट की जगह यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक में क्या होता है? नॉट इक्वल होते हैं, मतलब ये यहाँ पे टू है तो यहाँ पे इसमें जो है रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। कुछ भी लिख दो, हो गया। टू बाय फाइव इज नॉट इक्वल टू थ्री बाय सेवन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है नो सॉल्यूशन, जिसकी कंडीशन होती है, बोलो जय, जिससे क्या कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन बोलो। हाँ जी, इक्वेशन बता सकते हो इसके साथ जो आपने कंडीशन बोली है, ऐसी कोई इक्वेशन बता सकते हो? सेकेंड इक्वेशन 6y थ्री, वो तो सेम हो जाएगा बच्चे। आपने बोला ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, वो आपने लिखवा दी इक्वल वाली, तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दो। अच्छा ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। ऐसी इक्वेशंस फोर होंगी, चूज करनी भी आ सकती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो ये कंडीशन दी हुई है, ये दो इक्वेशन दी हुई है, आपको कहता है बताओ इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, या मे और मे नॉट हैव सॉल्यूशन। ये नॉट इक्वल कह रहा है, नॉट इक्वल किसमें आता है? यूनिक में या नो सॉल्यूशन वाले में। तो पहले यूनिक अप्लाई कर लेते, उससे नहीं होगा तो फिर वो कर लेंगे, ठीक है। ए बाय एल इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी बाय एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एम सेम आ रहा है। इसका मतलब कौन सा इक्वेशन, सिस्टम कौन सा कह रहा है इक्वेशन? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वो कंडीशन दी हुई है तो उसके साथ ये टैली हो रही है, तो वहां से पता चल रहा है। The system of equation has infinite many solution. Then choose the correct option.
बोलो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बोलो। इज इक्वल टू, हाँ जी सॉल्व करो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। सॉल्व करो, इसमें से ऑप्शन बताओ कौन सी आएगी। एक ने ठीक हुई तो दूसरी बोल रहा है। सॉल्व की है, क्या हुआ? इनफाइनाइट कंडीशन का फॉर्मूला लगाओ, टू बाय टू ए इज इक्वल टू थ्री बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 6/24। कटिंग करके 1 आ गया, 1/4, 1/a इज इक्वल टू 1/4। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वहां से वैल्यूज आ रही हैं ए बी की, हमें चाहिए नहीं वो, तो हमें कंडीशन चाहिए। इस दोनों को करते हो तो ये आता है, फर्स्ट और लास्ट को करते हो तो ए की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पुट करोगे तो बी 8 आ जाएगा, लेकिन चाहिए नहीं हमें। किसी को भी कर सकते हो ना, सारे इक्वल हैं। इन दोनों को करते हो तो ये आ गया, इस दोनों को करते हो तो ये आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को करते हो तो ये आ रहा है। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, ठीक है? जैसे ऑप्शंस होंगे ये आ रहा है, यहाँ से आंसर आपके पास ये आ गया। ठीक है, वैल्यूज कहें तो फाइंड कर लेना, ए 4 आ रहा है, बी 8 आ जाएगा, अभी चाहिए नहीं लेकिन, ठीक है छोड़ देना, देख लेना, आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। वो करो इनकंसिस्टेंट, मतलब रितिका क्या होता है इनकंसिस्टेंट? नो सॉल्यूशन की कंडीशन बोलो। ठीक है, करो सॉल्व। के फाइंड करना है, जो भी वैल्यू फाइंड करोगे देखना वो जो रिजल्ट है ये A1 बाई A2 वाला, इसको वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, कई बार डबल आंसर आता है, वेरीफाई जरूर कर लेना। नाइन, और एक और भी तो आ रही है, के की दो वैल्यूज आ रही है, एक नाइन आ रही है, एक नॉट इक्वल वाले में क्या आ रहा है? क्वेश्चन जब कह रहा है इनकंसिस्टेंट, आप कह रहे हो कंसिस्टेंट, वो कहते हैं इनकंसिस्टेंट से सॉल्व करो, जो आ रहा है बता दो बस। हैं इक्वल आ रहे हैं, लेकिन वहां इनकंसिस्टेंट दे रखा है ना, उन्होंने दो आंसर निकाले हुए हैं, 1/3। क्या देखा देखा कर रहे हो, चुप करो सारे।
थ्री अपॉन के, इसको सॉल्व करके के इक्वल टू नाइन, इसको सॉल्व करके, नेगेटिव तो नहीं है कोई, है ये नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव मतलब, अच्छा जो 12 है ना वो राइट साइड पे इक्वेशन के साथ जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने उधर लिखा था ना 12, मतलब प्लस 12 ऐसे दिया हुआ है, 3x प्लस 1 ऐसे दे रखा है और दूसरे में k इधर दे रखा है, 4 इधर दे रखा है, हाँ माइनस आ जाएगा, ठीक ऐसे आएगा, ये आंसर आ रहे हैं दो, के 9 आ रहा है बट माइनस 9 नहीं आ रहा, ठीक है तो डबल आंसर आएगा। अच्छा मैं आपको हाँ ये बता रही थी, जब ऐसे दो आंसर आते हैं ना, ये तो नॉट वाला हो गया तो ये तो लेना ही नहीं है, ये जो 9 है ना यहाँ पुट करके दिखा देना, यहाँ 9 पुट कर देना, जहां जहां के है वहां 9 पुट कर देना, 1/3 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस 1/3, ठीक है ऐसे। अभी तो चलो सॉल्व का चक्कर नहीं है आपका, अपने सीधा आंसर ही करने हैं, पर ऑप्शन डबल वाले का ध्यान रखना, आपने अगर वहां पे डबल आंसर दे रखे हैं तो आपने डबल के अकॉर्डिंग चलना है, आपको वहां देखना पड़ेगा। अगर आपसे ये कहते हैं कि कौन किस में नो सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो डबल आंसर वाला आप पिक करना, ठीक है, मतलब के इक्वल टू 9 पे सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट दिस, मतलब इसको छोड़कर सारी वैल्यूज हैं, लेकिन उन सारी वैल्यूज में से 9 पे नो सॉल्यूशन है। अब बात समझ रहे हो, मतलब कि -9 इसका आंसर नहीं है, -9 को छोड़ के सारे आंसर हैं, लेकिन उन सब में से 9 वाला इसका आंसर है, मतलब देखा जाए तो k की वैल्यू 9 है, मतलब -9 नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी ऑप्शंस बाकी हो सकती थी उसमें से 9 की पॉसिबिलिटी है और कोई नहीं आंसर, तो 9 पे नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है लिखो नेक्स्ट। अच्छा ये करो, ये क्वेश्चन लिखो, एक मिनट, ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, For what value of C, the system of equation has infinite many solutions? इधर कभी भी नहीं, इसमें कितने 5-6 क्वेश्चन हो गए, आप एक्स वाई कहाँ लिखते जा रहे हो रेशो में, ये रेशियो जो नीचे लिखी है एक्स वाई का, ये कट क्या कट कर रहे हैं, ऐसी रेशियो लिखो, फिर रेशियो में एक्स वाई नहीं आता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हाँ हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है ये, इसमें ऑप्शन दे रखी है c इक्वल टू 3, c इक्वल टू -3, c इक्वल टू -12 या नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, ठीक है स्टार्ट किया आपने सॉल्व करना, सबने पहले सॉल्व करो, सब देखो एक बार ताकि सबको पता चले कैसा क्वेश्चन है, अलग है ये क्वेश्चन। जिन्होंने कर लिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ, स्टार्ट करो। क्या हो रहा है, पेपर कैसे अपने ऐसे देने हैं, जिसने बोलना है वो बाहर चले जाओ, फ्रेंड को भी ले जाओ साथ ही। फाइंड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, find the condition of the coefficient for which the system of equation has coincident lines, represent coincident lines, cross multiply करके दो condition बनाओ, ये question था
इसमें सी बाय सिक्स इज इक्वल टू वन बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, ये है इसमें आपको कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सारी रेशियो इक्वल होनी चाहिए लेकिन इक्वल नहीं है, लास्ट में इक्वल नहीं है। वन बाय टू थ्री बाय फोर के इक्वल होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये फॉल्स है, ये इक्वल नहीं आ रहे ना, इसका मतलब ये रिजल्ट रॉन्ग है। इसका मतलब सी की किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्व मत करते रहना, कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन दे रखी है सी इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू माइनस थ्री, सी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, और नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। तो नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, सी आप कुछ भी ले लो, चाहे रेशियो सेम आ भी जाए, लेकिन ये तो नहीं आ रही ना सेम। तो इसका मतलब अगर ये सेम नहीं है तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब सी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये ट्रू होगा रिजल्ट। क्लियर? इस वाले केस में डबल रिजल्ट आ रहा है। एक आएगा ए ई इज इक्वल टू डी वाई, और दूसरा डी बी, दूसरा बी एफ इज इक्वल टू ई सी, और भी आ सकता है, फर्स्ट को लास्ट के साथ कर लो, ए एफ इज इक्वल टू डी सी, ऐसे भी आ सकता है। पहले दो दिए हुए रिजल्ट आ वो भी सकता है। ठीक है, अच्छा एक ना पॉलिनोमियल में से दो क्वेश्चन लिखवाने हैं, वो लिख लो पहले। एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, नोट कर लो दोनों क्वेश्चन, क्योंकि अगर वैसे आ जाते हैं ना तो फिर सॉल्व करने मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लिखो कि द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, if the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, आपको कहते हैं इसकी zeros जो है वो equal है, तो कौन सा result true होगा? If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, quadratic polynomial की कितनी zeros होती हैं? Two, ठीक है, two होती है ना? ax square plus bx plus c, इसकी zeros equal है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरी भी, यही मतलब है। अब इसका सम ऑफ जीरोस निकाला जाए, क्या आता है? माइनस बी बाय ए, टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, और अगर इन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट निकाल दिया जाए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय। अब इनमें से डिसाइड करना है कौन सा इसको वेरीफाई करता है। पहली बात, यहाँ बी और ए आ रहा है, किसी भी रिजल्ट में बी और ए नहीं, ये तो लेना नहीं। अब आ जाओ इधर, अल्फा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होंगे? ठीक है, एक और बात, अगर सपोज करो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, स्क्वायर करके पॉजिटिव आ भी गई, लेकिन यहां पर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों, इसका मतलब C एंड A हैव सेम साइन, ये ऑप्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये वाले आप दो तीन साल पहले के पेपर देखोगे, ऐसे क्वेश्चन अपने पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसके जैसा, नोट करो, और एग्जाम्पलर में इसके सिमिलर टाइप के काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं दो ही करवा रही हूँ, आप उसमें से रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको ना ऐसी कंडीशन बना के देखनी पड़ेगी, कई बार एक बार में समझ आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता, थोड़ा सोचना भी पड़ता है।
नेक्स्ट भी थोड़ा डिफरेंट है, वो नोट करो क्वेश्चन। ये क्लियर है? देखो, इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अब चेंज है, जनरल नहीं है, चेंज है, ये देखो, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, क्या कह रहा है आपको? आपको कहते हैं एक जीरो जो है वो दूसरे की नेगेटिव है, अगर एक अल्फा है तो दूसरी माइनस अल्फा, मतलब बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, एक अल्फा दूसरी माइनस अल्फा, एक बीटा दूसरी माइनस बीटा भी ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। दो जीरो आ गई, जब भी जीरो की बात करते हैं सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेना, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना। दो जीरो ले ली, एक है अल्फा दूसरी है माइनस अल्फा, इनका सम करेंगे, सम क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, माइनस ए होगा, ये जीरो हो गया, ए की वैल्यू जीरो है। अब ए है क्या कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए है क्या कोफिशियंट, इसमें से देखना किसमें आ रहा हैज नो लीनियर टर्म, इसमें भी नो लीनियर टर्म, हैव अ लीनियर टर्म, ये लीनियर ही तो है, लीनियर क्या होता है जिसकी पावर वन होती है, इसका मतलब हैज नो लीनियर टर्म, इस और इस ऑप्शन में से होगा कोई कि नहीं होगा, इनमें से आंसर कौन सी ऑप्शन में से आएगा, ए बी में से कि सी डी में से, हैज नो लीनियर टर्म, ए जीरो है, इसका मतलब लीनियर टर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई आंसर है। अब देखो, एक से आपको ये पता चल गया सी और डी तो कैंसिल ही हो गए, अब आ जाओ प्रोडक्ट पे, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय ए, सी की जगह पे क्या था बी, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये मतलब है इसका, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, ठीक है, अल्फा वहां स्क्वायर है, इसका मतलब अल्फा चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और दूसरी टर्म क्या आ रही है नेगेटिव, बी था क्या कांस्टेंट टर्म, बी थी क्या कांस्टेंट टर्म, और वो नेगेटिव माइनस उसके साथ आ रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या डिसाइड हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो कौन सी ऑप्शन होगी इसमें से आंसर, ए होगी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, राइट डाउन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y equal to 12 and y is equal to 4 has which type of solution? दो इक्वेशन है, इनका सोल्यूशन की टाइप बताओ।
सॉल्व तो किया नहीं। यूनिक सॉल्यूशन है इसका आंसर। नेक्स्ट करो, क्या करेंगे इसमें? आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइंस हैं ये। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू एंड दिस इक्वेशन आर कॉन्करेंट। इसका मतलब है क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? कि ये जो नंबर है ये कॉमन है, मतलब ये इसके भी सॉल्यूशन है, मतलब सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू टू पुट करनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू टू आ गई।